ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्वालामुखी पुलिस ने शहर में हुई चोरियों के आरोप में तीन और प्रवासी युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान अब्दुल जुम्मा और अफसर के रूप में हुई है। सभी पकड़े गए आरोपियों की उम्र 20 से 22 वर्ष है। ये गांव अलीगंज तहसील व जिला एटा उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। इससे पहले पुलिस ने इसी मामले में तीन प्रवासी युवकों को गिरफ्तार किया था, जिनसे कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने अब अन्य तीन और प्रवासी युवकों को गिरफ्तार किया है। ज्वालामुखी पुलिस ने शहर में हुई चोरियों के आरोप में तीन और प्रवासी युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान अब्दुल जुम्मा और अफसर के रूप में हुई है। सभी पकड़े गए आरोपियों की उम्र 20 से 22 वर्ष है और ये गांव अलीगंज तहसील व जिला एटा उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। इससे पहले पुलिस ने इसी मामले में तीन प्रवासी युवकों को गिरफ्तार किया था, जिनसे कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने अब अन्य तीन और प्रवासी युवकों को गिरफ्तार किया है। चोरी के मामले में अब तक पुलिस 6 युवकों को गिरफ्तार कर चुकी है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बहरहाल पुलिस की मामले को लेकर छानबीन जारी है। डीएसपी तिलकराज सौंडिल ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शहर में हुई चोरियों के सिलसिले में पकड़े गए तीन युवकों के अलावा पुलिस ने बीते रोज देर शाम तीन और युवकों को बोहन से गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से कोर्ट ने इन्हें 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है और कई खुलासे भी इनके द्वारा सामने आए हैं, जो पुलिस की पूरी जांच प्रक्रिया होने के बाद जनहित में जारी किए जाएंगे। सभी आरोपी घर घर जाकर सामान बेचने का काम करते हैं और पुलिस भी काफी समय से इन आरोपियों को पकड़ने में जुटी हुई थी, जो अब पुलिस की राडार में आए हैं। जल्द ही मामले को सुलझाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले पकड़े गए तीन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन अब दोबारा इन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस की जांच जारी है, ऐसे में आरोपियों को खुला नहीं छोड़ा जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा चोरी के मामले में पहले पकड़े तीन आरोपी मोहम्मद तुलेमार और जमील से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार बीते कुछ महीने पहले जजबाड़ी में हुई चोरी के आरोप में अब पकड़े आरोपियों का हाथ है। ऐसे में पुलिस हर एक तथ्य की जांच कर आगे बढ़ रही है। हालांकि पुलिस की पूरी जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि इन चोरियों के आरोपों में गिरे आरोपियों ने कौन कौन सी घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बिजेश कुमार पुत्र बंसीलाल, जो कि राजस्थान का रहने वाला है, उसकी शिकायत आने के बाद ये कार्यवाही अमल में लाई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसका मोबाइल और लगभग 50,000 रुपए की नकदी चोरी हुई है और इस पर पुलिस को शिकायतकर्ता ने पहले ही सुलेमान और अली मोहम्मद नामक व्यक्तियों पर शक जताया था। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने इन्हें पकड़ने को लेकर सर्च अभियान छेड़ रखा था। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों में अली मोहम्मद के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन और 8,000 रुपए की नकदी जब्त की है, जबकि एक अन्य आरोपी सुलेमान से भी पुलिस ने 1 मोबाइल फोन और 7,000 रुपए की राशि बरामद की है, जबकि अन्य चोरी हुए सामान को लेकर भी पुलिस की आरोपियों से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य युवकों के पास से अभी पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया है। आज की बात फिर पुलिस ने आरोपी पकड़े, कितने आरोपी हो गए सर, कितने और क्या कार्रवाई है सर? अब तक चोरियों के मामले में हमने 6 व्यक्तियों को कुल अरेस्ट किया है। 3 व्यक्ति जो हमने पहले अरेस्ट किए थे उनके इंटरोगेशन के बाद हमने 3 आरोपियों को पकड़े हैं, जिनमें एक अब्दुल जुम्मा और अफसर नाम के तीनों लोग हैं, यूपी एटा जिले के रहने वाले हैं, इनसे इंटरोगेशन की जा रही है। और जो पिछले 3 आरोपी थे 19/20 में, वो कोर्ट से बेल आउट होने के बाद 2 जो है बेल आउट हो गए थे, उनको फिर से अरेस्ट किया है अगली नेक्स्ट चोरी में, तो इनसे पूछताछ जारी है और इसके बाद हमें हो सकता है बाहर आउट ऑफ स्टेट जाना पड़े रिकवरीज के लिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें।